हाय बच्चों, चलिए देखते हैं आज एक नया चैप्टर लेंस। काफी बढ़िया टॉपिक है। कक्षा 10 और 12 दोनों का एक कॉमन चैप्टर लेंस। ठीक है, चलिए लेंस कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेंस कहते किसे। तो प्यारे बच्चों, लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है और ये वक्र पृष्ठ गोली, परवलयाकार, बेलनाकार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो लेंस का वक्र पृष्ठ होता है गोली होता है। तो क्लियर बच्चों, तो चलिए देखते हैं लेंस क्या है। परिभाषा लिखते हैं, लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। तो क्लियर बच्चों, लेंस की परिभाषा पूछा जाए तो लेंस क्या है। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। वक्र पृष्ठ गोली, बेलनाकार या परवलयाकार हो सकता है या परवलयाकार हो सकता है। पर सामान्यतः वक्र पृष्ठ गोली होता है। क्लियर बच्चों, तो ये था लेंस। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। यह जो लेंस का वक्र पृष्ठ है या बेलनाकार, गोली और परवलयाकार या समतल आदि हो सकता है, लेकिन सामान्यतः जो वक्र पृष्ठ होता है कैसा होता है बच्चों, गोली होता है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं बच्चों यहां पर लेंस का मुख्य कार्य, लेंस का कार्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, लेंस का जो कार्य है यह प्रकाश की किरण को मोड़ता है। अर्थात लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश की किरण को मोड़ना है। क्लियर बच्चों, ये है लेंस का कार्य। तो प्यारे बच्चों, लेंस का मुख्य कार्य यही है कि वह प्रकाश की किरण को मोड़ता है। क्लियर, चाहे चाहे जिस तरफ मोड़े लेकिन प्रकाश की किरण को जरूर मोड़े। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब आगे लेंस का प्रकार या लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंस। तो प्यारे बच्चों, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। क्लियर बच्चों, उत्तल लेंस की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। वह लेंस
जो किनारों से पतले व बीच में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आया? चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। ये है उत्तल लेंस, बात समझ में आया? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस, वह लेंस जो बीच में मोटे और किनारों से पतले होते हैं उसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। जैसा कि अब यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर दिखाया गया है कि अगर ऐसा फिगर दिखता तो उसे हम क्या समझेंगे, उत्तल लेंस। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, अवतल लेंस। अवतल लेंस इसी के जस्ट उल्टा कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों से मोटा होता है, अवतल लेंस कैसे पहचानेंगे? वह लेंस जो बीच में पतला व किनारों से मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्लियर बच्चों? डायग्राम देखा जाए इसका, यह है अवतल लेंस। क्लियर बच्चों? उत्तल लेंस बताया गया था ऐसे था, जो उत्तल लेंस होता है कि वह लेंस जो किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस जो बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? अभी हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं, बना कैसे है। क्लियर? बहुत बेसिक चीज से हम लोग समझेंगे, कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, तो लेंस टॉपिक चल रहा है, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं बच्चों उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार तो क्या बच्चे, यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। चलिए समझते हैं। नंबर एक उभय उत्तल, नंबर एक उभय उत्तल, या इसे बोलते हैं बच्चों द्विव उत्तल। क्लियर? चलिए समझते चलते हैं, एक एक पार्ट को समझते चलते हैं, फिगर को भी समझते चलते हैं। ठीक, वह उत्तल लेंस जिसके दोनों वक्र पृष्ठ गोली या उत्तल होते हैं, उभय उत्तल या द्विव उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर बच्चों? चलिए फिगर देखते हैं, यह है उभय उत्तल।
क्लियर बच्चों, बात समझ में आया? जिसके दोनों वक्रपृष्ठ कैसे हों, गोलीय हो या उत्तल हो, उसे हम क्या कहेंगे, उभय उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। क्लियर बच्चों, ध्यान देना है आपको, नोट करके याद रखना है, उभय उत्तल या द्विउत्तल उभय उत्तल या द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी। याद रखना बच्चों, उभय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी। क्लियर, याद रखना, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, यदि वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो उसे समद्विउत्तल लेंस कहते हैं। पास में ना, इसका मतलब आर वन बराबर आर टू, इसमें आर वन बराबर आर टू भी हो सकता है या आर वन नॉट इक्वल आर टू। ध्यान देना, क्लियर बच्चों? तो एक तो समझ में आया, उभय उत्तल या द्विउत्तल, वो उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोली होते हैं, उभय उत्तल या द्विउत्तल लेंस कहलाता है। इस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं यहाँ पर बराबर भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, और जिस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी और समान होंगी, सॉरी भिन्न भिन्न या समान हो सकती हैं, उसे द्विउत्तल, या जिस गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं अगर बराबर हो रही हैं तो उसे हम बोलेंगे समद्विउत्तल लेंस। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट। उत्तल लेंस का पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप है समतल उत्तल। तो प्यारे बच्चों, नाम या नाम से ही परिभाषा बनाइए, वालेंस जिसका पहला पृष्ठ क्या बच्चों, समतल, जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर, परिभाषा समझ में आया वाले? जिसका पहला पृष्ठ, नाम से ही पता करें जिसका पहला पृष्ठ क्या हो समतल और दूसरा क्या हो उत्तल, उसे हम क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस। चलिए बनाते हैं फिगर। ये हो गया समतल पृष्ठ और ये हो गया उत्तल, तो इसका नाम क्या बना बच्चों, समतल उत्तल। क्लियर, बात समझ में आई? तो आप देखिए, नोट करके याद रखना, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर वन का मान होगा इनफाइनाइट और आर टू कुछ भी हो सकता है, उत्तल पृष्ठ का आर टू बराबर आर। क्लियर, ये उत्तल पृष्ठ का है, पास में है। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस
अवतलोत्तर मतलब अवतल उत्तर, नाम से ही पता चल गया। परिभाषा क्या बनेगा, वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतलोत्तर लेंस कहलाता है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आया? फिगर कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। ऐसे ये है अवतलोत्तर लेंस। क्लियर, बात समझ में आया? जिसका एक पृष्ठ पहला पृष्ठ क्या हो तो दूसरा क्या हो उत्तर, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतलोत्तर लेंस। बात समझ में आया? इसमें ध्यान देना, इसके लिए यहाँ पर त्रिज्या माना जाएगा आर वन, दूसरे वाले के लिए मानेंगे आर टू। इसमें हमेशा अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या से ज्यादा होती है, अर्थात आर वन और आर टू का मान यहाँ पर इसमें बराबर नहीं होते हैं। आर वन का मान आर टू से अधिक होता है हमेशा, ध्यान देना। अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या से सदैव अधिक होती है। क्लियर, तो ये था प्यारे बच्चों उत्तल लेंस के प्रकार। कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार तो क्या है बच्चों, अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, सेम कहानी वही, उसमें उभय उत्तल था तो इसमें है उभय अवतल, उभय तल लेंस। ठीक है, परिभाषा जिसका दोनों पृष्ठ शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप बना कर लेना कि वह अवतल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, जिसका दोनों जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल। क्लियर, चलिए फिगर देखते हैं इसका। ए है उभय अवतल, कहानी इसमें भी सेम टू सेम, यहाँ पर आर वन और आर टू का मान बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ध्यान देना, बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। और जब नोट करके याद रखना कि जब आर वन और आर टू के मान क्या हो जाए बराबर, अर्थात जब दोनों पृष्ठ की लिखते रहे हैं, अर्थात जब पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो ऐसे लेंस को समद्विय अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर, लॉजिक पकड़िए इसमें, परिभाषा रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना, लॉजिक पकड़िए। आर वन बराबर आर टू हो जाए तो सम का मतलब हो गया समान बराबर, तो समद्विय अवतल। क्लियर बच्चों, समझ में आई बात। चलिए दूसरा पॉइंट, सेम कहानी समतल अवतल, हेडिंग का नाम लिखिएगा समतल अवतल लेंस। परिभाषा बना के लिख लेना, परिभाषा सुन लीजिए, जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो ऐसे लेंस को समतल अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये है समतल अवतल। क्लियर बच्चों, इसमें कहानी क्या होगी, इसमें आर वन का मान यहाँ पर इनफाइनाइट
और आर टू बराबर आर, मतलब कुछ भी हो सकता है। समतल पृष्ठ में से अगर समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है अर्थात इनफाइनाइट, और जो यहाँ पर अवतल है उसका कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम मान लिए। चलिए एक पॉइंट और बचा है, तीसरा उत्तला अवतल। तो उत्तला अवतल मतलब जिसका एक पृष्ठ उत्तर और दूसरा पृष्ठ अवतल हो। क्लियर, जिसका एक पृष्ठ उत्तर और दूसरा पृष्ठ क्या हो और चलिए फिगर देखते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर उत्तला अवतल। ठीक है, ध्यान देना कैसे बने। तो इसको मान लेते हैं आर वन और यहाँ पर आर टू, बात क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पर इसमें भी हमेशा आर वन का मान आर टू से ज्यादा, मतलब इसमें दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं हमेशा भिन्न भिन्न होती हैं। कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो ये था लेंस और लेंस के प्रकार, और लेंस के जो प्रकार हैं उनके भी प्रकार। इस प्रकार कह रहे बच्चों, लेंस मुख्यतः दो ही प्रकार के, उत्तल और अवतल। फिर उत्तल और अवतल को दो दो भागों में, सॉरी तीन तीन भागों में डिवाइड किया गया, जिस प्रकार यहाँ पर 6, 2, 8 हो गए। तो 8 प्रकार के लेंस की चर्चा हम लोग को करना है। बाकी यहाँ पर कक्षा 10 में केवल उत्तल और अवतल यही दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी कक्षा 12 में हम लोग 6 लेंस से 6, 2, 8 लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। आगे हम कल पढ़ेंगे बहुत बेसिक चीज़ की लेंस कैसे बना, पूरा इसका डिटेल से जानेंगे, पूरा बेसिक से। ठीक है।